तो चलेगा। इस मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। इसको बंद करते हैं। और हमने दो रूम लिया है, ये देखे, ये एक रूम है और वो एक रूम है, सेम ऐसा ही है, क्योंकि हम चार लोग हैं ना, इसीलिए इसको अच्छे से बंद करेंगे। ये हो गया और ये बाथरूम है। और बहुत अच्छा मिला है गाइस हमें। और ये देखे, ये एक सामने ऐसा मिरर है और ये ऐसी एक कबड़ है, और ये बेड है बड़ा, सामने टीवी है। और चलिए मैं आपको यहाँ का मेन व्यू दिखाता हूँ। ये देखे, फ्रंट पे है और अभी बारिश स्टार्ट थी, अभी रुक गई है। बहुत ही अच्छे एरिया में हमने लिया है होटल और अभी हम 3 दिन यहीं पे हैं। 3 दिन आराम से हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। मस्त है होटल, अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अभी मैं फ्रेश हो गया हूँ और अभी थोड़ा मेरे को अच्छा लग रहा है। एक्चुअली कल रात से नींद बिल्कुल भी नहीं थी, कल पूरी रात जागे हैं, उसके बाद सुबह एयरपोर्ट पे, फिर वहाँ से बेंगलुरु से निकलने के बाद मैसूर आने के टाइम मैं थोड़ा सोया होगा कैब में, उसके बाद अभी मैं और इजान सो गए थे, ये लोग सब नीचे भी जाके आ गए, मैं नहीं गया। और जहाँ पे हम रुके हैं ना, बहुत अच्छा एरिया है, बहुत अच्छी जगह पे हम रुके हैं, होटल भी बहुत अच्छी है, जो सोचा था होटल बिल्कुल वैसी है। होटल के नीचे इन लोग का रेस्टोरेंट है जहाँ पे साउथ इंडियन फूड मिलता है और हमें साउथ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम तो खुश हो गए, बोले हम चलो 3 दिन हमारे आराम से गुजरेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? जो होटल में हम रुके हैं, अंदर से तो मैंने आपको दिखा दिया रूम कैसे, और ये बाहर का देखे, बाहर भी कितना अच्छा है, क्लीन है। और सबसे अच्छा गाइस यह है, होटल ना बहुत ज़्यादा क्लीननेस है, और ये कोई प्रमोशन नहीं है, बस मैं आप लोगों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ। ये ब्लॉग में होटल के रूम और ये दिखाने का मेरा मकसद यही है कि कल को अगर कभी आप यहाँ पे आते हो मैसूर में घूमने के लिए, या फिर किसी काम की वजह से अगर आते हो, तो अगर आपको रुकना हो तो ये होटल भी अच्छी है, रुक सकते हो, वो आपके ऊपर है। यही अभी देखिए, हम मैं भी फर्स्ट टाइम आया था, लेकिन हमें कुछ भी मालूम नहीं था ये होटल के बारे में, हमने भी सर्च किया, तो आपको सर्च करना नहीं पड़ेगा। अगर आप हमारा ब्लॉग देखते हो तो होटल तो आपको मिल जाएगी, होटल बहुत बेस्ट है, क्लीन, स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं और मेन क्लीन। अपने को क्या चाहिए, जो होटल में हम रुकते हैं वो क्लीन रहे, और ये बेस्ट होटल है और एरिया भी बहुत अच्छा है। अंदर से तो मैंने दिखा दिया, एक बार बाहर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर का एरिया कैसा है, वो आगे, अभी नहीं, अभी तो मैं ऊपर आ गया, जब नीचे जाऊँगा ना तब मैं आपको दिखा दूँगा। ये देखिए गाइस, ऐसे लाइन से रूम है, हमारा जो रूम है ना वो 303 और 304 वो है। और ये होटल ना गाइस रेलवे स्टेशन से बहुत नज़दीक है। अभी हम ट्रेन से ही आने वाले थे, लेकिन अचानक से हमारी ट्रेन कैंसिल होने की वजह से हमें फ़्लाइट से आना पड़ा, पहले बेंगलुरु, उसके बाद वहाँ से हमने कैब लिया, जो कि 3.5 घंटे का सफ़र हमारा हुआ मैसूर तक आने के लिए। तो अगर आप ट्रेन से आते हो ना, तो 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है ये होटल, बेस्ट है, आके रह सकते हो, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन फैमिली के लिए बहुत बेस्ट है। तो गाइस देखे, अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, तो हम सोचे कि अभी आए हैं तो कब तक होटल में बैठते हैं, है ना, थोड़ा जाते हैं नीचे घूम के आते हैं थोड़ा, वैसे भी थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, चलो ठीक है, यहाँ का भी ज़रा मज़ा लेते हैं मैसूर का। हाँ चलो अभी देखते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है नज़दीक वो सब, है ना। ये देखो गाइज, मैंने बोला था ना कि बाहर से एक बार आपको दिखाऊंगा होटल, तो ये वाली होटल है हमारी, यहाँ से अंदर है, और ये होटल का ही देखे रेस्टोरेंट, जैसे बोला था ना मैंने, साउथ इंडियन फूड, हमेशा गर्दी रहती है यहाँ पे। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं बाहर, बारिश देखे गाइज, बारिश कितना है ना अभी। एरिया देखो, एरिया भी ना पूरा अच्छा है, जहाँ पर हम रुके हैं ना अच्छा है गाइस। ये देखिए, हमारा नाश्ता आ गया है, और क्या क्या है, इडली है, वड़ा है, और ये स्वीट है, शीरा दिख रहा है, और उपिट भी था, उपिट मैंने खाता करके फरा को दे दिया, फरा उधर गया। ऐसे 4 प्लेट हमारे को आ गए क्योंकि हम 4 लोग हैं ना। और ये देखिए, डोसा भी है। ये जो है ना ब्रेकफास्ट, ये हमारे होटल के चार्जेस में इंक्लूड है, उसी में आता है गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन,
ये देखिए यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, मस्त लग रहा है क्लाइमेट। हाँ फरा देखो ना, बहुत अच्छा है वेदर। तो चलो 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 जा रहे हम, बाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो, आपकी दुआओं में हमें याद रखना। और आज हमारा डे 3 है मैसूर में, हम जो काम से आए थे ना वो काम हमारा कल ही फिनिश हो गया और बहुत अच्छे से हो गया और वीडियो भी अपलोड कर दिया हमने, आई होप कि आपने देखा होगा। और ऑर्डर करो, बहुत अच्छा है। और ऑर्डर करना गाइस, डिस्प्ले पे भी आपको नंबर वहाँ पे दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी है, जाओ आदिवासी हेयर ऑयल ऑर्डर करना। और आज हम सोच रहे हैं कि मैसूर थोड़ा घूमते हैं, अब यहाँ तक आया तो थोड़ा मैसूर में घूमते हैं। तो सबसे पहले हमने सोचा है कि मैसूर पैलेस, जो हमने बहुत सुना है और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर, हमारे फैंस, सभी लोगों ने हमें बोला कि मैसूर पैलेस भी बहुत अच्छा है, पहले वहाँ पे जाओ। तो हमने सोचा आज वहीं पे जाते हैं। उसके बाद जू भी है जहाँ पे हम इज़ान को लेकर जाना सोच रहे हैं, वो देखते हैं वहाँ पे जाने के बाद। उसके बाद मार्केट भी जाना है आज, अभी जब निकलेंगे ना हम रूम से तो वापस शाम में ही आएंगे, क्योंकि आज का एक दिन है, कल रात की हमारी वापस से फ़्लाइट है। कल 11 बजे का चेकआउट है सुबह, फिर यहाँ से हम निकल के बेंगलुरु जाएंगे, बेंगलुरु में रात की हमारी फ़्लाइट है, इसलिए आज का दिन ही हमारा यहाँ पे। तो जितना हो सके उतना आज हम यहाँ पे थोड़ा घूम के लेते हैं, लेकिन सुबह से बारिश वापस से स्टार्ट है, शाम में रुकती है, सुबह से लेके दोपहर तक कंटिन्यू रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ, धीमी धीमी आ रही है, ये देखें। जब हमारा पूरा प्लान होता है ना बाहर जाने का, तब बारिश स्टार्ट हो रही है। कल भी ऐसा ही हुआ, कल ऐसे बारिश में ही हम गए थे वहाँ पे, और आज भी देखें। अभी क्या करते हैं, बैठ तो नहीं सकते होटल में, यहाँ तक आए तो घूमेंगे, जाएंगे ऐसे ही बारिश में। मज़ा आएगा, अच्छा क्लाइमेट है। तो चलिए गाइस, हमारी लिफ्ट आ गई है, अम्मी अब्बा इज़ान तीनों भी नीचे गए हैं, तो अभी हम लोग जाते हैं। सबसे पहले जाएंगे मैसूर पैलेस, वहाँ पे घूमेंगे, फिर वहाँ से देखते हैं। जैसे मैंने बोला ना, जू पे जाना है ना, जू को भी इज़ान को लेके होता है, तो वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं ना कैसा है ना, वहाँ पे कितना टाइम लगता है। तो ये देखिए गाइस, बाहर आ गए, थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी बारिश अभी स्टार्ट हो गई है। होटल का नाम उल्टा दिख रहा है ना, ली ऑक इन, बहुत अच्छा होटल है। और यहाँ पे अम्मी इज़ान अब्बा और फरा बुक कर रहे हैं कैब हमारी। इज़ान देखिए, इज़ान कितने मस्त बैठा है यहाँ पे, देखो अभी वहाँ पे नहीं गए, अम्मी को जगह जाना है। म्यूजियम है, अच्छा म्यूजियम भी है ना उधर, ललिता महल है, अच्छा टीपू सुल्तान की तरफ। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं मैसूर पैलेस को, यहां से अंदर एंट्री है, पहले टिकट निकालते हैं फिर देखते हैं कैसा है क्या है। चलो क्या हुआ, देखिए बाहर ये लोग अम्ब्रेला सेल कर रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, 450 का एक अम्ब्रेला, लेकिन क्या करें बारिश तो रुक गया है, तो बहुत लोग ले भी रहे हैं, शायद अच्छा लगता होगा है ना। ऐसे बैग चेक करना पड़ता है, किसके अम्मी के ना, क्या बोले, चलो ऐसे भी क्या है, चेक किया तो अच्छा ही है। ये देखो ना ऊपर कितना अच्छा है ना, फोटो लेना यहाँ पे आपको सबको। हाँ फारा को देखो, ये गाड़ी में बैठना है इसीलिए वो जा रहे हैं, मुझे पता है। तो गाइस हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं और बहुत बड़ा पैलेस है यार ये देखिए, अभी वहाँ तक जाना है, वो गाड़ी भी थी लेकिन मैंने फरा को बोला कि आईडी लोग बैठते हैं उसमें, इसलिए पर पर्सन 50 रुपीज़ ले रहे हो पूरा घुमाने के लिए, बट मैं सोचा कि चलते घूमेंगे ना तो अच्छा हर एक चीज़ अपने को देखने को मिलेगा। पीछे देखे इतना बड़ा पैलेस दिख रहा है ना, सीज़न का ना चलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, वो बार बार बोल रहा है कि मुझे गोद में ही ले लो। इसे देखिए अब बहुत सारा सामान के लेकर आए, आपके जैसा ही हुआ है, आपके ऊपर गया। मैं चल रहा हूँ, आप गाड़ी देख रहे थे, मैंने नहीं लिया वो, हाँ मेरे लिए, खुद के लिए लिए देख रहे थे और मुझे बोल रहे हैं मेरे लिए। और ये देखिए आ गए अभी हम, सामने से कितना मस्त लग रहा है, देखिए गाइस बेस्ट लग रहा है, फोटो अच्छा आएगा। इज़ान इधर आ जाओ,
मस्त लग रहा है ना। ये देखो आई दी गाड़ी आ गई। हाँ एक मिनट लेता। इतना बड़ा महल है गाइस, मस्त टाइम जाएगा अपना यहाँ पे। ये देखे पूरा वहाँ तक है और यहाँ तक भी है सब, जिधर देखे सब बस लोग फोटोज खींच रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है, मस्त लग रहा है। क्या है उधर? यहाँ पे बता रहा है क्या यहाँ पे फ्लावर्स है ना, बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर्स है वहाँ पे, रोज़ेस है ना। चलो अभी जाएंगे ऊपर, चलो अभी अंदर महल में जाएंगे। चलो वहाँ पे फोटोज वगैरह निकाल के अभी हम आ गए यहाँ पे। यहाँ से अंदर एंट्री है, ऊपर जाना है, शूज़ वगैरह यहीं पे खोलना है, बैग वगैरह सब यहीं पे रखना है। चलो इधर के ये देखो ना इधर। वाओ कितना अच्छा है, देखे गाइस यहाँ पे अंदर। क्या क्या देख रहे हो? क्या है वहाँ पे? मेरे को लगा आपको अंदर जाना है। देखो तो थोड़ा कितना बड़ा दरवाजा है। हाँ एक ये वाला पूरा ख़त्म होगा गाइस। ये देखो कितना बड़ा था यहाँ से, और ये फर्स्ट है अभी। अब यहाँ से सेकेंड डोर हमारा स्टार्ट हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे गोल गुंबद में भी आते हैं ना अपन थोड़ा। हाँ वहाँ पर भी गोल गुंबद के म्यूजियम में भी सब ऐसे ही रखे हैं, बट ये उससे थोड़ा अलग है और बड़ा भी है। यहाँ पर देखिए सभी फोटोज वगैरह है। इधर देखो ना, क्या होंगे ये सब? इसमें सब मैसेजेस वगैरह डाल के भेजते हैं ना। बराबर बराबर। क्या भाई जान, देखो इधर देख, वहाँ ही पर आ गया। मतलब वहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से होते 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 ऐसे अंदर, फिर यहाँ से बाहर होते हुए अभी वो साइड जाएंगे हम। ये महल तो आपने देख लिया अंदर से कितना मस्त है। अभी हम जाएंगे यहाँ से बाहर। चलो दोस्त वगैरह मिल गए, बहुत गहरी दोस्ती है इन लोग की, बचपन की साथी ना मिल गए। उनके साथ अभी आ रहा है वो। चलो मुझे लगा ये तो अभी हमारे ज़माने का फ़ैन है, अभी कि उसको क्यों लगे। फिर बाद में याद है ये हमारे के लिए आया, हम लोगों के लिए। हाँ आ गया है, चलो चलो फरा चेल देखो ना तो मस्त है। तो अभी यहाँ का भी हो गया है, अभी वहाँ से स्टार्ट किए थे ऐसे राउंड करके यहाँ पे आ गए। चलो देखते हैं यहाँ पे बाहर, देखे अभी ऊपर भी जाना है। चलो मज़ा आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। पहली बार हम आए हैं, कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रहा है,
और हमारे साथ में जो जो नहीं देखे उनको भी देखने को मिल रहा है। चलो कहाँ लेके जा रहे फरोज को? ये साइड का पूरा हम घूम के आ गए, यहीं से हम गए थे, तो यहाँ से ना ये साइड से गए थे और अभी हम जा रहे हैं ये साइड पे, ये देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। आ जाओ ना, ये देखो सब ऐसे ही फरा यहाँ पे। देखिए कितना बड़ा मिरर है, ताकि जो भी वहाँ से थक के आते हैं ना यहाँ पे आने के बाद अपने आप को देख के बाल बनाते रहते हैं, ये लड़के बना रहे थे। देखना है आपका फेस खराब हो गया तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैसूर में आए तो मैसूर के जैसा ही खाना खाएंगे। फरा को बहुत शौक था इसमें खाना खाने का और हम मैसूर के सबसे अच्छे होटल में आए, ट्रिपल आर 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 होटल में। ये देखिए आ गए हमारे भी पत्ते, यहाँ पे प्लेट्स नहीं, प्लेट्स के जगह इस पर खाना खाया जाता है। मैसूर पैलेस भी घूम ले और उसके बाद ये हम आए थे होटल में खाना खाने के लिए। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था, दो चिकन बिरयानी और दो वेज थाली लिए थे, जो कि खाना बहुत ही अच्छा था। तो चलिए गाइस आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और ये देखें बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे पत्ते में खाना खाने के लिए, यहाँ पर प्लेट्स नहीं थे, बहुत अच्छा लग रहा था।